नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 की भूगोल एनसीईआरटी का अध्ययन हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है और इसके अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर जो था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट चैप्टर था भारत अवस्थिति और आकार। दूसरा चैप्टर ये भारत का भौतिक स्वरूप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। ऐसा चैप्टर है जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आपको लिखित परीक्षा देनी होती है वहां पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ में यूपीपीसीएस या बीपीएससी या अन्य किसी भी आयोग में जहां भी लिखित परीक्षा होती है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए इसको। छोटा मोटा आप नोट्स, छोटा मोटा पॉइंट आप लिखते चलिए और एक शार्ट नोट ब्रीफ जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फिर से रिवाइज करने में आसानी होगी। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एस्पेक्ट ऐसे नहीं रहेंगे जो यहाँ पे हम लोग समझे ना। आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि भारत, जैसे आप देखते हैं, एक स्थलाकृति वाला, विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। और जिस भी भूभाग में आप रहते हैं उसके बारे में इसमें कहा कि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां दूर दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, पर्वतीय ढलान घाटी, ऐसे ही सारी बात लिखी हुई है। फिर है कि हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप, तो ये सारी भूआकृति ये कह रहे हैं कि पाई जाती है। और इसमें एक बात ये सामने आती है कि ये बनी कैसे, और ये हमारे दिमाग में बात आती है कि इनका निर्माण कैसे और कब हुआ। तो भारत की मुख्य भूआकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में ही ये चैप्टर जो है अध्ययन करेंगे। जैसे ये मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं इसमें। इन्होंने लिखा कि संगमरमर की तरह कुछ कठोर पाई जाती हैं जिनसे ताजमहल का निर्माण हुआ, कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती हैं जिनका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में होता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी हुई है। और फिर इसमें हम यहाँ पे देखिए इस चैप्टर को, ये तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां भी आप लिखेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से आप इसको लें। तो जैसे इन्होंने लिखा कि भारत एक विशाल भूभाग है और इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों में हुआ है, तो एक साथ तो कोई चीज बनी नहीं, बहुत सारे भूगर्भीय काल बीत चुके हैं उनमें इनका निर्माण हुआ है, और उच्चाउचों को प्रभावित इसी निर्माण प्रक्रिया ने किया है। और ये जो काल थे भूगर्भीय काल, ये अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, अब इन शब्दों का अगर अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग की है तो कक्षा 6 से स्टार्टिंग की, 6 से फिर मैं 8 पे आया। 7 की एनवायरमेंट की है, उसको हम बाद में एनवायरमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट की एक एनवायरमेंट और इकोलॉजी की हमारी क्लास अलग से है, आप प्ले लिस्ट में आप उसको देख सकते हैं, उसमें वो इंक्लूड भी है, लेकिन उसको भी कर लेंगे। 6 के बाद अर्थ पे आए, अर्थ के बाद हम 9th पे आए हैं, तो ये क्रम है। अगर आप इसको ऐसे पढ़ते चलेंगे तो ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको समझने की जरूरत महसूस हो रही है तो पुराने जो वीडियो है, पुरानी क्लास कहने का मतलब, कक्षा 6 और 8 यानी पहले की क्लास को आप देख लीजिए। तो वर्तमान उच्चाउचों के निर्माण में कुछ बाद में संशोधन भी इन प्रक्रियाओं के कारण हुआ। प्लेटों की गति के कारण कुछ ये परिवर्तन होते रहते हैं, उनको हम प्लेट विवर्तनीय गति के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कुछ ये कह रहे हैं कि व्याख्या करने की जो कोशिश की जाती है इस निर्माण प्रक्रिया की, तो एक सर्वसामान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कभी कभी ये पूछ लेता है पीटीटी, प्लेट टेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। तो ये 7 बड़ी प्लेटों के बारे में हम देखेंगे और ये छोटी प्लेटें, ठीक है। तो संख्या भी इनकी इंपॉर्टेंट है, कभी आपको स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। जैसे प्लेटें मान लीजिए चल रही हैं, ऐसे गति हो रहा है, तो इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा, प्लेटों के अंदर एवं ऊपरी ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होगा, और इसके कारण से जब दबाव ये ज्यादा होगा, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अब इसमें दोनों पे आगे ऐसे टकराव हो गया, तो दबाव जब उत्पन्न होगा बहुत ज्यादा तो इसमें फोल्ड पड़ जाएगा, तो ये फोल्ड यानी वलन पड़ जाएगा, ऐसे भ्रंशीकरण, कटफिट के भ्रंश भी बन सकता है। और कभी कभी ये प्लेटें अगर ब्रेक होंगी तो नीचे से लावा का उद्गार होगा, तो ज्वालामुखी क्रियाएं भी होंगी। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों, देखिए यहाँ पे ये 3 गतियां दी हैं, इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, एक अभिसारी, एक अपसारी
और एक रूपांतर। तो जो गति है उन्हीं के हिसाब से ये प्लेटो की जो गति है उन्हीं के हिसाब से ये परिसीमा, अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा, रूपांतर परिसीमा। तो ये देखिए मेंटल ये नीचे है और ऊपर मेंटल के ऊपर ये ऊपरी हिस्सा है प्लेट का। अब ये जब गति करती है प्लेटें तो मान लीजिए कि ये अभिसारी जो समझा रहा है, तो यानी कि एक इधर से आ रही है, देखिए ये तीर इधर लगा हुआ, दूसरी इधर से, और आपस में एक दूसरे से मिल गई। और मिलेगी जब तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगी, बलन पड़ेगा, दोनों ओर से दबाव पड़ेगा, तो क्या होगा, और कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, फोल्ड हो सकता है, इधर से ये आई और इधर से ये आई और ये दोनों फोल्ड हो सकता है। ऐसे ही दूसरी गति होती है कि एक प्लेट यहां थी, एक प्लेट यहां थी, और ये क्या हो गई, इधर राइट में जाने लगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट में जाने लगी, तो एक दूसरे से दूर जा रही, अपसारी, ठीक है। तो ये अभिसारी प्लेट सीमा, अब इसमें बीच में गैप होगा, यहां पे स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। ऐसे तीसरा है रूपांतर, जब ये इधर उधर विपरीत दिशा में जाके आपस में, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक ये है, और ये ऐसे ऐसे यानी कि रगड़ की खिसकने लगती है, तो यहाँ पे रूपांतर सीमा परिसीमा का निर्माण होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान से रखिए, समझ के दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान रखिए, कभी भी इसकी जरूरत आपको कहीं भी लिखने में पड़ सकती है, और प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये कह रहे हैं कि भूपृष्ठ की मुख्य प्लेटें, जो हमने अभी कहा कि सात प्रमुख और 30 छोटी प्लेटों में, तो हम यहाँ बड़ी बड़ी प्लेटों को पहले देखे ले रहे हैं। देखिए एक प्लेट ये है प्रशांत महासागरीय प्लेट, दूसरी प्लेट ये देखें तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, तो उन्हीं के नाम पे है, ये प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर के नाम पे, देखिए कितना सरल है। ऐसे ही हम आगे देखें तो ये अफ्रीकी प्लेट, और यहाँ पे हम देखें तो यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और ये प्रशांत, देखिए ये जो हिस्सा है यही सेम चीज यही है, अगर ये मैप अगर यहाँ पे तो ईस्ट वाला जो हिस्सा है उसको लाके यहाँ पे जोड़ दिया, क्योंकि ग्लोब जो होता है, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, वो गोल होता है, तो गोल होने के कारण आप उसको ऐसे तो देख नहीं सकते, तो हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा उसको बना लेते हैं। तो ये प्रशांत, ये भी इधर भी यही दिख रही है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ऐसे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यानी कि ये भारत का के नीचे का हिस्सा, तो इसको इंडो के नाम से, और ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, तो ये दोनों मिलके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बगल का ये जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 प्लेटें जो बड़ी वाली प्लेटें हो गई, बृहत प्लेटें जिनको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो ये एरो दिया है प्लेट की गति की दिशा ये दिखा रहा है, तो देखिए अफ्रीकी प्लेट जो ये है ये वाली, और दूसरी ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ये वाली, अब ये देखिए एक दूसरे की तरफ ऐसे, ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर है ना, बीच में देखो ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और ये दोनों प्लेटें इधर उधर से, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, एक दूसरे की तरफ देखो ये बढ़ रही है। तो अब ऐसे मैंने बताया, तो यानी कि ये अब क्या हो गया, आप जरा दिमाग पे जोर दीजिए, तो ये अभिसारी होंगी, एक दूसरे को मिल रही है, और यहाँ पे अगर इस संदर्भ में देखें तो ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, तो ये बीच का हिस्सा, यानी कि ये और ये दोनों के बीच का हिस्सा यहाँ पे गैप बनेगा, तो ये अपसारी होंगी। ऐसे यहाँ पे देखें तो देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारी यूरेशियन प्लेट है या जिस पे भारतीय महाद्वीप स्थित है, तो वो गति कर रही है, तो किधर गति कर रही है, उत्तर पूर्व या उत्तर की ओर, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर, देखिए ये तीर से दिखाया जा रहा है। तो ये हो गई, और दूसरा फिर देखिए दिया है विनाशकारी प्लेट सीमा, तो जहां पे ये डॉटेड, ये देखिए ऐसे ये ट्रायंगल त्रिभुज त्रिभुज ये बना हुआ है, ये पूरा जिस जहां पे कर्सर है ये देखिए, ऐसे ही यहाँ पे और ऐसे ही यहाँ पे, तो ये सारा जो एरिया है पूरा ये विनाशकारी प्लेट सीमा है, यानी कि यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप दो चीजों का बार बार होना पाया जाएगा, घटित होंगी ये चीजें। और फिर देखिए जहां पे ये ऐसी लाइन है, ये कंटिन्यू अनवरत चल रही है, इस प्लेट को ये कह रहे हैं कि ये जो निर्माणकारी प्लेट सीमा ये होती है, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा वो निर्माण होगा, जितना होगा उससे बाढ़ में और बढ़ेगा, निर्माणकारी प्लेट सीमा है। और जहां पे ये डॉटेड डॉटेड है, जैसे ये वाली देखिए दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे यहाँ पे कर्सर है, तो ये वाली जो प्लेट सीमा है इसको ये कह रहे हैं अनिश्चित प्लेट सीमा, तो ये आप ये समझ गए। और तीन वर्गों में इनको विभाजित करते हैं, ये सारी चीजें हमने समझ ली है, एक अभिसारित परिसीमा होती है, दूसरी अपसारित परिसीमा होती है, और तीसरी, आपने तीसरी परिसीमा कौन सी पढ़ी है, तीसरी परिसीमा ये वाली है रूपांतर परिसीमा, तो रूपांतर वाली भी आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, मैं दिया हुआ है कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में कि ये जो मेखला है प्रशांत महासागरीय प्लेट वाली, इसको किस रूप में जाना जाता है, या निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखीता और भूकंपीय
परिसीमा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर देखिए केवल ये इसी जगह पाए जाते हैं जो ये सीमाएं हैं, यानी कि प्लेट के किनारों पर ही पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ आंतरिक भागों में कभी भी कहीं भी पाए जा सकते हैं भूकंप ज्वालामुखी, तो आप इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ और बातें। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि प्रायद्वीपीय भाग जो है वो किस किसका हिस्सा था, तो नीचे दिया रहेगा गोंडवाना, है ना, और तीन विकल्प और देंगे आपको, तो गोंडवाना आप यहाँ पे टिक करेंगे। गोंडवाना भूभाग की विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल। अगला प्रश्न यही बनता है कि गोंडवाना के भूभाग में, बिल्कुल इसको याद नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए, कॉपी पेन आप लेके बैठा करिए जब मेरी क्लास आप देखिए, तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो भारत ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, यानी कि ये पूरा क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। मोटा मोटी मैं इस पे दिखा रहा हूं आपको। और संवहनीय धाराओं ने क्या किया, भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग हो गई। तो ये इसका एक कारण देखिए दे रहे हैं कि संवहनीय धाराओं के कारण ऐसा हुआ और अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुई। तो जब ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होगी तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। अब देखिए यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है और यहाँ से ये नीचे से प्रवाहित हुई, ये दिशा देखिए ना मैंने अभी बताया था आपको, उत्तर और उत्तर पूर्व, तो ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई। और जब यूरेशियन प्लेट से ये टकराएगी तो इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अवनति के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला में के रूप में विकसित हो गए। अब देखिए हिमालय पर्वत कहाँ पाया जाता है, कर्सर देखिए यहीं पे हिमालय पर्वत ऐसे पाया जाता है, ये हिमालय पर्वत। अब ये इंडियन प्लेट जो ये इधर से जा रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टुकड़ा होकर के अलग होकर ये जा रही है, और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों जब टकरा रही है तो बीच में अभिसारी है, तो अभिसारी के कारण दबाव बनेगा तो फोल्डेंट माउंटेन का यहाँ पे विकास हो जाएगा। टेथिस सागर भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर, टेथिस सागर का ही जो मलबा था वो उभर ऊपर उभर के आ गया और हिमालय का रूप इसने धारण कर लिया। तो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। अब ये कह रहे हैं टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी किनारे के नीचे धंस गई। भाई जब दबाव पड़ेगा तो कुछ हिस्सा ऊपर उठेगा और कुछ दबाव में नीचे धंसेगा, धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ और समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीप, दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों से बहने वाली नदियों के औषधि निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। और जब ये भर गया इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक जो हमारा भूभाग है उत्तरी मैदान के रूप में, तो ये ऐसे ही क्या कैसे निर्मित हुआ, प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के औषधि निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भरने के कारण ऐसा हो गया। गोंडवाना भूमि के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणतम भाग है और जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। आगे हम बात करते हैं, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सबसे स्थिर भाग भारत का कौन सा है, तो आप प्रायद्वीपीय पठार को बेशक टिक कर सकते हैं, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। तब भी इस पे ऐसा नहीं कि इस पे भूकंप कभी नहीं आएगा, हाल के भूकंपों ने इसको बोला, लेकिन तब भी अपेक्षा के सबसे ज्यादा हिमालय और उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। तो यहाँ देखिए हिमालय कैसी स्थलाकृति है, युवा स्थलाकृति को दर्शाने वाली ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेयों रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। अब हम मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में हम पढ़ेंगे, तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, वही छह वर्ग पांच, जहां कहीं चार आप पढ़ते हैं कहीं पांच पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में देखिए सबसे आप ऑथेंटिक है, अगर इसको आप लिखते हैं कहीं मुख्य परीक्षा में जहां भी आपको लिखना है तो ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा, सबसे अच्छे मार्क्स यहीं पे मिलेंगे। तो ये छह भाग हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठे को हम पढ़ेंगे द्वीप समूह के रूप में। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत, इसके बारे में जो भी जानकारी इसमें दी है बहुत ही अच्छी है,
आप ध्यान से सुने। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। तो दो चीजें हैं, अगर हम इसको भूगर्भीय यानी कि समय की दृष्टि से देखें तो युवा है, युवा, और अगर हम यानी कि बिल्कुल अभी जवान है, और अगर हम इसको देखें कि किस प्रकार का है तो ये बलित पर्वत है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की एवं अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी कि बहुत सारे इसमें असम अवरोध हैं। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अभी हम सब देखेंगे मैप पे, सब समझ में आपको आ जाएगा। पश्चिमी, यहाँ पे देखिए और दिया हुआ है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग अधिक ऊंचाई में अधिक विविधता वाला है, यानी अधिक विविधता यहाँ पे पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को तीन भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं, तो तीन भागों में इसको बांट रहे हैं, इसमें बहुत सारी घाटियां भी हैं। और ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, सतत यानी कंटिन्यूअस है, और इनमें से 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर यहीं पाए जाते हैं, और इनमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर यानी कहां स्थित है। तो आपको कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कह सकते हैं आंतरिक हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री, तीनों में से आप कोई भी टिक कर सकते हैं, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। आगे हम बात करते हैं मैप में देखने के बाद। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली बात पढ़ी कि ये पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है और उसके बाद में पूरब में ये पतली होती गई, तो अस्पष्ट है, बिल्कुल आप ये देख लीजिए। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये पूरब में ज्यादा सतत है, ये हमने जो बात यहाँ पे की थी, तो ये ज्यादा सतत यहाँ पे है, और पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ये सॉरी पूर्वी भाग में सतत मत कहिए, पूर्वी भाग में तो खंड है, ये मैं गलत बोल गया, लेकिन पूर्वी भाग में विविधता अधिक पाई जाती है। और सबसे सतत जो है वो देखें तो सबसे उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। तो इसको पूर्वी, पूरब तक ये जाएगा तो, लेकिन पूर्वी कहना गलत है, ये जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहां पे कर्सर चल रहा है, तो ये वाले हिस्से को सबसे ज्यादा सतत हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे हम कुछ मैप में देख लेते हैं, कुछ मैपिंग कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। तो ये देखिए पामीर ग्रंथि, पामीर की गांठ जिसको कहते हैं, है ना, पामीर ग्लैंड भी अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ भी हिंदू कुश इधर से आती है और कुनलून श्रेणी यहाँ से आती है, दोनों श्रेणियां यहाँ मिलती हैं, इसीलिए इसको पामीर ग्रंथ यानी गांठ बन जाती है, इसी के लिए पामीर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वो यूपीएससी में भी और पीएससी किसी भी स्टेट का, जो पब्लिक स्टेट कमीशन के एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे उत्तर में देखिए काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, और जास्कर के बाद में यहाँ पे देखिए ये जो तीसरी है ये श्रेणी है ना आ जाएगी। ये अब ये कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा तो ये तीसरी श्रेणी का नाम क्या है, ये अब ये तो पूरी सतत जा रही है, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, ऐसे करके क्रम पूछ लिया जाएगा। ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं दर्रों के बारे में, तो देखिए अशील दर्रा अगर पूछा जाए तो कहाँ है, काराकोरम दर्रा, तो ये सब देखिए जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, बारालाचा, ठीक है, शिपकीला और मानसरोवर झील देखिए यहाँ पे दी हुई है। तो ये इन सब दर्रों को आप देख लीजिए जो पासेज हैं, है ना, बारालाचा, शिपकीला, और आपको मैं ये काम दे रहा हूं कि जितने भी जिस स्टेट के दर्रे होंगे, देखिए काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब बताता चलूंगा आप केवल सुन लेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो इन दर्रों की आप पूरी लिस्ट बनाइए और उसको ऐसे फट से टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए, सबको लाभ होगा। आप मेरे बात जो मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को आप मानते चलिए, फिर इसका लाभ देखिएगा। और मैं ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं काम करने पर विश्वास करता हूं, तो आप इसको जो भी मैं कह रहा हूं प्लीज करते जाइए। ये आप दर्रे नोट करेंगे, फिर उसके आगे स्टेट उसके लिखेंगे। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो आप उसको सर्च करेंगे, मैप में देखेंगे, अपने एटलस में देखेंगे, एटलस जिनके पास ना हो एटलस प्लीज ले लीजिए, एटलस के बिना ज्योग्राफी तैयार नहीं की जा सकती। फिर आगे हम बढ़े तो देखिए बूमला है यहाँ पे, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ है, बस मैं केवल चिन्हित कर दे रहा हूं, ये जानना आपका काम है। नामचा बरुआ, ठीक है, ये यहाँ पे है। आगे हम देखें तो ये शिवालिक श्रेणी, ये पूरा दिखाया जा रहा है, और इस श्रेणी का जो शिवालिक श्रेणी का है तो ये सबसे दक्षिण श्रेणी है, इसके बारे में हम जान लें, सबसे दक्षिण श्रेणी है, और इसके बाद में मैदानी भाग, इसके
तलहटी से चालू हो जाता है। ये देखिए आगे हम कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। सिंधु ये मुख्य नदी है, उसकी फिर देखिए सहायक नदियां झेलम है ना, रावी, सतलुज। तो ये सिंधु, झेलम, रावी, सतलुज, ये क्रम उत्तर से दक्षिण का आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे हम आए तो देखिए ये नंगा पर्वत, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे राकापोशी है, केटू यहाँ पे है, ये तो सब मैं बताया दे रहा हूँ। और ये देखिए श्रीलंका में ही सारे ये पाए जा रहे हैं, नंगा पर्वत है, सॉरी श्रीलंका में बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर यहाँ पे पास में पड़ता है, गलत निकल गया सॉरी। तो ये जम्मू कश्मीर में राकापोशी, नंगा पर्वत, केटू, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, फिर कैलाश श्रेणी देखिए यहाँ पे है, फिर ये मानसरोवर झील है ना, और गुरला मंधाता है। अब जो भी ये लोकेशंस हैं इनके स्टेट के बारे में एक दो पॉइंट और जो भी आपको पता हो लिखिए। तो कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये नंगा पर्वत नंदा देवी और अन्नपूर्णा और एवरेस्ट को दे देता है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। तो आप ये लोकेशन देख लीजिए, ये नंगा पर्वत है, उसके बाद में ये नंदा देवी है यहाँ पे, और फिर ये आपका अन्नपूर्णा, और ये यहाँ पे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है। फिर उसके बाद में ये भी प्रश्न कभी मिला के दे देता है कंचनजंगा, तो आप ये ध्यान रखिए। यहाँ पे हम देख लें तो यमुना, गंगा, अगर पश्चिम से चले तो यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। और फिर यमुना आके यहाँ पे इलाहाबाद में देखिए गंगा में मिल जाती है। और घाघरा नदी की स्थिति आप याद रखिए कि गंडक से पश्चिम है कि पूरब है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोसी के पूरब है गंडक या पश्चिम है, तो सबसे पश्चिम में घाघरा है, घाघरा के पूरब में गंडक, गंडक के पूरब में कोसी। ऐसे फिर ये गारो खासी जयंती, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है पश्चिम से पूरब सजाने में। यहाँ से ऊपर से ब्रह्मपुत्र यानी उत्तर से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। अगले मैप की हम बात करें तो वही मैप है, बस इसमें दक्षिण भारत की भी चीजों को दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये माही नदी है, माही नदी कहाँ पे है, गुजरात में। और ये तापी नदी है, इसकी स्थिति आप देख लीजिए। नर्मदा नदी है, दोनों की, नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक प्रश्न पूछा जाता है कौन सी श्रेणी, तो सतपुरा श्रेणी या सतपुरा श्रेणी किस नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में। फिर ये एक क्रम पूछा जाता है कि बिंद श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, महादेव श्रेणी, क्रम से सजाइए। तो ये देखिए उत्तर से दक्षिण ऐसे आप सजा लीजिए, बिंद श्रेणी है, उसके दक्षिण में सतपुरा है, फिर महादेव श्रेणी है। यहाँ पे हम देखें तो ये कोंकण तट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये मालाबार का तट है केरल के बॉर्डर में पूरा, और ये अरब सागर है ही है आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे ये कोरोमंडल तट है, ये उत्तरी सरकार है, महेंद्रगिरी ये यहीं पे है, देखिए महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी तट की। और ये महानदी है, महानदी अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में देखिए ये बना रही है, डेल्टा का प्रकार जरा बताइएगा किस प्रकार का ये डेल्टा है। और ये गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी आके भी अरब सागर में गिर रही है, कृष्णा भी गिर रही है। इधर गिरने वाली नदियां देखें तो नर्मदा ताप्ती आपने देख ही दिया है, कावेरी नदी देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को उत्तर से दक्षिण में क्रम से सजाइए। तो सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। यहाँ पे देखिए ये अन्नामलाई या अनाईमुडी, ये सबसे बड़ी चोटी है अनाईमुडी, तो ये 2695 सबसे ऊंची यही है, बड़ी का मतलब यहाँ ऊंची है मैं बता रहा हूँ। और ये नीलगिरी पहाड़ियों की लोकेशन ये है, कार्डमम पहाड़ियां आपसे पूछा जाए केरल और कर्नाटक तो यहाँ पे है, ये आपका श्रीलंका है। तो ये आपने देख लिया, और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि ये यहाँ पे बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, इससे दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत से मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैप देखने का तरीका मैं आपको बता दूं, हमेशा जो अप साइड में होता है वो नॉर्थ होता है, जाहिर सी बात है नीचे साउथ हो जाएगा, राइट में ईस्ट होता है, तो वेस्ट में, वेस्ट किधर हो जाएगा, लेफ्ट में। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ ये हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर दिए हुए, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा है विश्व का आपको पता है 8848, उसके बाद में कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ, गुरुला, मंदाता। ऊंचाई ऐसे नहीं पूछी जाएगी, माउंट एवरेस्ट की पूछी जा सकती है, कंचनजंगा की पूछी जा सकती है। उसके बाद में पूछा कहां से जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है, माउंट एवरेस्ट की स्थिति क्या है भारत में, नेपाल में, चीन में, तिब्बत में, तो आप इसको बेशक नेपाल में ही टिक करिएगा। कंचनजंगा भारत में, ठीक है, सिक्किम में है, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बरुआ भारत, गुरुला मानधाता ये नेपाल में है। तो ये लोकेशंस ये आप याद रखिए जो नेपाल्स वाली हैं, नेपाल की लोकेशंस, और इनकी ऊंचाई दो की कम से कम याद रखिए, 8848 बिल्कुल सिंपल है, 8848 ये माउंट एवरेस्ट की हो गई, और 8598 यानी 8598 तो ये कंचनजंगा की है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा अवरोही क्रम में, इसकी ऊंचाई की अवरोही क्रम में इसको सजाने का, तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, कोई जरूरी नहीं क्रम से पूछे, फिर धौलागिरी दे सकता है, फिर अन्नपूर्णा दे सकता है, फिर
आपका नामचा बरवा दे सकता है। तो ये आप क्रम एक मोटा मोटा दिमाग में बिठाए रखिए, इससे प्रश्न सही हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे दिखे हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम ज्ञात कीजिए, तो यही काम मैं आपको दे रहा हूं। और भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये ऊंचे शिखर और दर्रे ये सब दिए हुए हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और यह हिमाचल व निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीडित तथा परिवर्धित शैलों से हुआ और इनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के है बराबर और लगभग में, और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी श्रृंखला प्रश्न पूछा जा चुका है, पीर पंजाल है। दौराधल एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय की कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां भी स्थित हैं और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें, आप इसको करिएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, मैंने आपसे बताया अभी, और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से, नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बनी है और ये घाटियां बजरी तथा जलोट की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाएगा, दून क्या है? उत्तराखंड पीसीएस में तो ये लिखने में पूछ लिएगा। तो निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी, तो लंब जैसे एक तरफ शिवालिक हिमालय है और एक तरफ निम्न हिमालय, तो ये नीचे वाला जो दक्षिण में है शिवालिक है, जो नीचे लाइन है, तो इसके बीच की जो ये, तो दून जैसे हरिद्वार देहरादून और कोटलीदून और पाटलीदून, द्वार तो वो अलग होता है, द्वार भी हम पढ़ेंगे, तो देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तथा तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, जैसे अब हम उदाहरण यहां समझेंगे कैसे विभाजित, तो सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा सुमेलित करने में, पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो सतलुज एवं सिंध के बीच में पंजाब हिमालय और लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर यही हिस्से को दो भागों में बांटें, तो पश्चिम से पूर्व में अगर हम चलें तो पहले कश्मीर और बाद में हिमाचल हिमालय के नाम से। आगे हम बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये हो गया सतलुज एवं सिंधु, अब फिर आगे आइए सतलुज और काली, तो इसके बीच के हिमालय के भाग को कुमायूं, काली आ रहा है ना, तो कुमायूं वहां पे सिंधु आ रहा था, पंजाब। आगे हम बढ़ते हैं काली एवं तिस्ता, तिस्ता नदी यहाँ पे आ गई, ये नोट कर लीजिए ऐसे अलग अलग जैसे बोल रहा हूँ। तो ये नेपाल हिमालय, तो काली और तिस्ता नेपाल हिमालय हो गया, और फिर आता है तिस्ता और दिवांग, तो ये असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो असम हिमालय, उसके पश्चिम में नेपाल हिमालय, उसके पश्चिम में कुमाऊं हिमालय, और उसके सबसे पश्चिम में जो ये डिवीजन है उसमें पंजाब हिमालय पाया जाता है। तो ये भी सुमेलित करने में पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की और तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, तो कहां से? दिहांग महाखंड के बाद ऐसा होता है, पूछा जा सकता है प्रश्न। स्टेटमेंट देखिए, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औसादी शैल से बनी हुई है और ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, ये देखिए ध्यान रखिएगा, पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर, ये पहाड़ियां भी हमने आपने आपको दिखाई थी ना, तो वही पहाड़ियां, इसको फिर से आप अपने एटलस में देखिए। 300 आगे ये है उत्तरी मैदान के बारे में, हिमालय हो गया, उत्तरी मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, 300 निकल गया था, तो ये तीन प्रमुख नदी प्रणालियां, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र, सब इसी में, जो यहाँ पे फुटकर नदियां हैं सब इसी में समाहित हो जाएंगी, क्योंकि प्रमुख प्रमुख नदियां इनकी सहायक नदियां हैं और इन उनकी जो सहायक नदियां हैं वो तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएंगी। तो ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, सबसे आप ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है जलोढ़ मृदा से, और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े वेशन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और इससे उपजाऊ मैदान का निर्माण हो गया, और इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है,
2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा और सघन जनसंख्या वाला है। अब सघन जनसंख्या वाला प्रश्न ये जो पूछा जाएगा कि सघन जनसंख्या वाला ये क्यों है, तो निश्चित आप बता सकते हैं कि समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त मात्रा में पानी और उपलब्ध जो यहाँ पे अनुकूल जलवायु है और कृषि कारण के दृष्टि से ये इसी कारण से महत्वपूर्ण होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ब्रह्मपुर नदी में स्थित माजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। अब ये डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है। किस स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जरा आप बताएंगे। अब ये जिला भी बन चुका है जिसको आप जनपद या जिला कहते हैं, तो जिला बन चुका है, आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस स्टेट का ये जिला बनाया गया है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई हैं और नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। तो नदी की गति क्यों कम होती है, निचले भागों में जब ढाल कम हो जाता है, कोई चीज जब ढाल पे चलती है, मान लीजिए यहां से ये देखिए ढाल दिख रहा है, चलेगी ज्यादा रहेगी, जब यहां पहुंचेगी तो ढाल कम हो गया। और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद्र एकत्र हो जाने के कारण बहुत ही धाराओं में, बहुत सी धाराएं जो होती हैं उसमें उनके बनने का कारण यही होता है, बहुत सी धाराओं में ये बढ़ जाती है अलग अलग, जब यहाँ पे ढाल कम हो गया, वेग कम हो गया, और इन धाराओं को आप क्या कहते हैं, वितरिकाएं। तो कभी भी जब आपको पूछा जाए कि वितरिकाएं क्या हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिएगा कि नदी के मार्ग का ढाल कम होने के फलस्वरूप नदियां अपने निचले भाग में गात्र एकत्र हो जाने के कारण कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, इन्हीं धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। एक शब्द आता है जब इस क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं, दुआब। तो दुआब का अर्थ क्या है, दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है। दुआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो धन आब, आब माने पानी होता है, जैसे पंजाब, तो पांच नदियों के बीच का पानी का जो क्षेत्र है, दो शब्दों के इसके अर्थ से बना है, पंच यानी इसका अर्थ है पांच और आप का अर्थ है पानी। तो ऐसे दुआब यानी कि दो नदियों के बीच का भाग, एक नदी कोई वो ये बह रही है, एक बह रही, तो इसके बीच का जो भाग होगा। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपगर्भों में विभाजित करते हैं, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पश्चाब का मैदान, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के द्वारा, यानी पाकिस्तान में का जब बंटवारा हुआ तो उसमें चला गया, यानी पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, हिमालय से ये सब निकलती हैं और मैदान के इस भाग में दुआबों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनके जब भाई जहां नदियां ज्यादा रहेंगी तो दो क्षेत्रों के बीच में दुआब का बनने की संभावना ज्यादा होगी। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तिस्ता नदियों के बीच में है, तो गंगा का मैदान कहाँ कहाँ है, घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में, और यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है, ठीक है, पश्चिम भाग में विशेषकर असम में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाओचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, तो ऐसी किसकी की जाती है, उत्तरी मैदान की, और इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है और आकृतिक भिन्नता के कारण के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक हमने देखा कि उत्तरी मैदान को यहाँ पे इन्होंने दिया था कि मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी आकृतिक भिन्नता के आधार पर देखें तो इसको चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, और नदियां पर्वतों से निकल नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका निक्षेपण करती हैं और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक के दक्षिण में जब हम लगा हुआ जो क्षेत्र है वो भाबर हो जाएगा, यानी कि अगर ये शिवालिक का पूरा ये रेंज देखिए शिवालिक है, तो यहाँ पे जो गुटिकाएं पाई जाएंगी, गुटिकाएं ऐसे पाई जा रही हैं, तो ये एरिया भाबर कहलाएगा। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि ये गुटकेदार क्षेत्र बता रहा है ना, बजड़ीदार क्षेत्र, रोड़ेदार क्षेत्र, तो इसमें नदी का जो पानी है वो विलुप्त हो जाता है, इसी के अंदर से प्रवेश होकर निकलता है, दिखाई नहीं देता, और इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो भाबर पहले हो जाएगा, ये आपका हो गया भाबर, और भाबर के दक्षिण में आ जाएंगे तो ये आपका तराई का क्षेत्र हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया तराई, भाबर के बाद तराई, और ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में आए शरणार्थियों कृषि योग्य उपलब्ध कराने के लिए जंगलों को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए, उन्होंने लिखा है। तो तराई क्षेत्र में है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, यूपीपीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी कभी पूछा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप कमेंट में बताएंगे, जितना मैं काम कह रहा हूँ प्लीज करते चलिए, आप इसका लाभ जब पाएंगे तो आप खुद जानेंगे कितना इंपॉर्टेंट अध्ययन है ये, इससे अच्छा अध्ययन और कुछ नहीं हो सकता। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ मैदान का बना है। तो हमने पढ़ लिया भाबर, भाबर के बाद तराई, और तराई के बाद में अब नंबर आएगा खादर का, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है सबसे पुराना है,
ना? तो विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है, पुराने जलोढ़ का जहां पे कुछ समय से निक्षेपण हो रहा है, और ये नदियां बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय में कांकड़ का कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो अब इसके बाद में ये भांगर या और उसके बाद में ये भांगर आ जाएगा और फिर बाद में खादर आ जाएगा, ठीक है? तो तराई, भाबर, तराई, खादर या भांगर, तो इस टाइप का आप सेट कर लीजिए। यानी कि इस क्षेत्र की मृदा में एक इंपॉर्टेंट बात है कि चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं और इन्हीं को कंकड़ कहते हैं स्थानीय भाषा में। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप, तो खादर क्या होते हैं? बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप होते हैं और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, क्योंकि इसीलिए तो ये युवा कहे जाते हैं और इसलिए ये उपजाऊ भी होते हैं, क्योंकि बार बार जब इनका पुनर्निर्माण होगा तो उपजाऊपन इसमें बना रहेगा, खेती के लिए आदर्श होंगे, यहाँ पे जो जनसंख्या का घनत्व है ज्यादा पाया जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो क्रिस्टलीय शैलों से आग्नेय शैलों और रूपांतरित, अगर ये तीनों देता है सही है, और ये गोंडवाना भूमि के टूटने व अपवाह के कारण बना, यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। मुख्य दो भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, यही दो भाग हैं इसके। तो ये दो भाग जो है, भाग जो है, भाग्य में गलत बोल रहा हूँ, भाग्य कैसे भाग, और नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से। तो यानी ये मालवा का पठार है वो मध्य उच्च भूमि का पार्ट है। बिंध श्रृंखला दक्षिण में तथा मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो ये बिंध श्रृंखला की लोकेशन क्लियर कर रहा है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीले मरुस्थल मिल जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल घाटी, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं और इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। तो मध्य उच्च भूमि में जब पूछा जाता है तो ये पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में संकीर्ण है, अगर ऐसा दिया जाए तो ये सही है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? बुंदेलखंड और ये बघेलखंड। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से, जो पठार का पूर्वी, तो बघेलखंड और बुंदेलखंड ये इंपॉर्टेंट है, और इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार है ना दर्शाता है। और दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ऐसे इसकी स्थिति कैसे है? त्रिभुजाकार ऐसे है ही है। और उत्तर में इसके चौड़े आधार, देखिए उत्तर में मैंने ये चौड़ा आधार दिखाया है और उसके बाद में सतपुड़ा की श्रृंखला ही चौड़े आधार पे, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रेणियां इसके पूर्वी विस्तार हैं। तो ये जब नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे तो उस जगह पे, यानी पूर्वी विस्तार पूछा नहीं जाता है, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि महादेव, कैमूर की पहाड़ी या मैकाल श्रृंखला पूर्वी विस्तार है किसके, तो ये दक्षिण के पठार के। और भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ये कह रहा है, ज्ञात करिए, तो आप बिल्कुल करिएगा। और पश्चिम में ये ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। दक्षिण का पठार जो है वो पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम की ढाल के वाला है, और इस प्रकार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और पश्चिम में पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारू, खासन और जयंतियां पाई जाती हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व है, ये क्रम है, सबसे पहले पश्चिम में गारो, गारो के पूर्व में खासी और खासी के पूर्व में जयंतियां। तो पश्चिम से पूर्व का ये क्रम याद रखिएगा। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट की स्थिति, ये तीनों जो स्थिति है इसका आप स्टेट बताइएगा, मैप में देखिएगा और ऐसे करते चलिए इसको साथ साथ में, और इसको बताइएगा कि ये मैप में देख लीजिएगा और स्टेट बता दीजिएगा, जैसे किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में, केरल में, ऐसे इस टाइप का आप बताइएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट ये है, इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है और पूर्वी घाट की विस्तार का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी गिरी तक है और पूर्वी घाट का जो है विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा ये काट दिया जाता है। तो अगर हम इंडिया का ऐसे बना लें
तो ये वाला जो सतत है और काफी ये मतलब अनवरत ये है सतत है, और ये पूरब वाला जो है ये नदियों के द्वारा बहुत सारी नदियां इधर गिरती हैं तो उनके द्वारा काट दिया जाता है, सततता नहीं पाई जाती। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है ना, आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण ये वर्षा होती है, पश्चिमी घाट की बात है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर से आप जब दक्षिण की ओर चलेंगे तो ये ऐसे ही है, ऊंचाई यहाँ पे यानी ऊंचाई ज्यादा है, बढ़ती चली जाती है। और इस भाग में शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी सबसे ऊंचा है यहाँ पे 2695, अनाईमुडी हो गया, उसके बाद में डोडा बेटा 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा मैंने अभी आपको बताया था महेंद्रगिरी है, और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय इंजाउदी पहाड़ियां स्थित हैं। तो ये आप इसकी स्थिति मैप में बिल्कुल देख लीजिए, सेवराय उमजावेदी पहाड़ियां, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो सेवराय उमजावेदी पहाड़ियां यहाँ पे मिलेंगी आपको यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं, तो इसकी अगली इंफॉर्मेशन ये है कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता वहां की काली मृदा है जिसको दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप कहा जाए या काली मृदा कहा जाए एक ही बात है, कपास मृदा कहा जाए वही बात है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुई है और इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ, तो शैलों के अपरदन से हुआ है। और अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है। तो अब अरावली की पहाड़ियां क्या है, अपर्दित एवं खंडित है अगर ऐसा कहा जाए तो सही है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। भारतीय मरुस्थल के बारे में हम बात कर लें, तो मरुस्थल क्या होता है, जहां पे वर्षा कम होती है, तो इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर देखिए दे रहा है, वैसे 25 सेंटीमीटर से भी कम अगर दे दिए तो तभी मरुस्थल की परिभाषा हो जाती है, तो 150 मिलीमीटर तो ये स्टैंडर्ड है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड है आप ध्यान रखिएगा। और इस कारण से शुष्क जलवायु क्षेत्रीय होंगे, वनस्पति बहुत कम होगी, वर्षा ऋतु में भी सरताएं थोड़ी बहुत दिखेंगी और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाएंगी, पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक वो नहीं पहुंच जाएंगी। जैसे लूनी नदी है इस क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की है ना, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है लेकिन ये विलुप्त हो जाती है। एक आता है बरकान, तो बरकान के बारे में आपको बता दूं, ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार ऐसे चंद्र है ना, तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला है और इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबो टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के समूह आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा ये दर्शाया गया है। आगे हम बात करते हैं तटीय मैदान की, तो प्रायद्वीपीय भारत के किनारे संकीर्ण तटीय मैदान की पट्टियों का विस्तार है, यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और पश्चिमी तट पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान। इस मैदान के तीन भाग, तीनों भागों को हम देखें तो पहला है कोकण, ये मुंबई तथा गोवा में इसका विस्तार, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और इन दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ हम देखें तो विस्तृत चौड़ा मैदान एवं समतल है, तो बंगाल खाड़ी की के साथ विस्तृत चौड़ा एवं समतल मैदान है। उत्तरी भाग में इसको उत्तरी सरकार और जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सब पूर्वी तट पे गिरने वाली नदियां हैं, विशाल डेटा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के में दक्षिण में स्थित है। दीपू समूह के बारे में हम बात करें तो केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति आप देख सकते हैं इसमें, और जैसे पश्चिम में देखेंगे केरल के, और द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कैसे बना है, और इसको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनिडीव के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया, 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न स्टेटमेंट देके कि कौन सा ये द्वीप है, दो तीन स्टेटमेंट यही दे देगा, फिर पूछेगा ये किस द्वीप के बारे में बात की जा रही है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, और इस द्वीप समूह पर तो इसका लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती है राजधानी, और पादप एवं जंतु के बहुत प्रकार पाए जाते हैं, और पिटली द्वीप यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये ऐसा कौन सा द्वीप जहां पे मनुष्य का निवास नहीं है बल्कि एक पक्षी अभयारण्य है, तो ये पिटली द्वीप है। अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए द्वीपों की श्रृंखला को अगर हम ध्यान में रखें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मिलेगा, और ये द्वीप समूह आकार में बड़े
और संख्या में बहुत ही बिखरे हुए हैं, और ये द्वीप मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं इनको, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। तो ये जो द्वीप समूह हैं, अगर इनके बारे में ये प्रश्न पूछा जाए कि ये निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, तो हाँ सही है। और यह द्वीप समूह देशों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों के में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं और यहाँ जलवायु की विषुवतीय तथा ये घने जंगलों से आच्छादित हैं, विषुवतीय घने जंगलों से। अब हम यहाँ पे प्रवाल के बारे में बात कर लें, तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं, जिसको प्रवाल पॉलिप्स कहते हैं। जो ये बहुत सारे जीव हैं, ये बहुत कम समय जीते हैं और इनका विकास छिछले व गर्म जल में होता है। तो आप एक शर्त याद रखिएगा, छिछला और दूसरा हल्का सा गर्म जल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। तो किस चीज का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थायी टीलों टोले के रूप में निक्षेपित होते हैं, मतलब अस्थायी टोले बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं और इनके रूप में ये निक्षेपित हो जाते हैं। ये प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं। ये अस्थायी नहीं लिखा है, अस्थियां है, ये गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा। तो अस्थियां यानी कि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं, और ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तो एक होती है प्रवाल रोधिका, दूसरा होती है तटीय प्रवाल भित्ति, और तीसरा होती है प्रवाल ब्लय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का जैसे ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल ब्लय द्वीप गोलाकार व हास्य सुआकार वाले रोधिका होते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड दी है वहां से निश्चित तौर पर प्रश्न बनते हैं। विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश के प्राकृतिक एवं संसाधनों में समृद्ध। देखिए, ये लैंग्वेज जब आप एस से में ऐसी यूज करते हैं, नंबरों की बौछार होती है, 152 नंबर तक मिल जाते हैं यूपीएससी के एस में, 152 नंबर अब मिल सकते हैं, हमको मिल सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस कितने महत्वपूर्ण हैं, और इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तो देखिए, उत्तरी भाग से जल मिल रहा है, पठारी भाग से खनिज मिल रहा है ना, प्राकृतिक संसाधन के भंडार, ये सब देखिए मिलकर सब पूर्ति कर रहे हैं। तटीय क्षेत्र मत्स्यन एवं पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विशेष, मतलब जो विकास हो रहा है हमारा डेवलपमेंट, तो भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। यहीं पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। अभ्यास पिछले चैप्टर की बात की तरह ही, हम इसको बाद में एक कंबाइंड टेस्ट करेंगे, हो सकता है पूरी बुक खत्म हो जाए तब करें। जो जो काम मैंने दिया उसको करिएगा। ये जरूर लंबा हो गया वीडियो, लेकिन इतना पढ़ने के बाद में आपका प्री मेन सब तैयार हो जाएगा। एक दो बार इसको देख लीजिए, साथ देते रहिए, और थोड़ा मैं चाहता हूं कि थोड़ी संख्या अगर और बढ़ जाए और हमारे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके सीरियस कैंडिडेट की संख्या बढ़े, तो पढ़ने में और मजा आएगा, अच्छा लगेगा। शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा, जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सकें। पसंद कर सकते हैं आप, चैनल न सब्सक्राइब किए हो आप कर सकते हैं, और आप बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं, जिससे कि अब लगातार दो दो तीन तीन चार चार वीडियो रोज आएंगे, आपको जानकारी मिल जाए। दिखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बनाए रखिए। सलाह हमेशा आप अगर देते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, उसमें सुधार मैं करूंगा। पुनः धन्यवाद।